हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिल्मी वुड में। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन मूवी इथरकुम थूनीदवन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसका शॉर्ट में नाम ईटी रखा गया है, जो कि एक एडवेंचर ड्रामा फिल्म थी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईटी मूवी को पंडिराज सर ने डायरेक्ट किया था। ईटी मूवी को आईएमडीबी पर 10 आउट ऑफ 6.6 की रेटिंग मिली थी और वहीं पर 91% गूगल यूजर्स ने मूवी को लाइक किया था। मूवी को 10 मार्च 2022 को इसी साल रिलीज किया गया था। अगर बात करें इस मूवी के लीड रोल की, तो हमें सुपरस्टार सूर्या और उनका अपोजिट एक्ट्रेस प्रियंका मोहन देखने को मिली थी। अब बात करते हैं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो मूवी ने अपने पहले दिन 9,51,00,000 रुपए का कलेक्शन किया। मूवी ने अपने दूसरे दिन 4,81,00,000 रुपए का कलेक्शन किया और मूवी ने अपने तीसरे दिन 7,93,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। मूवी का जो फर्स्ट वीक कलेक्शन था वो 40,80,00,000 रुपए का रहा था। मूवी ने जो इंडिया में नेट कलेक्शन किया था वो 81,10,00,000 रुपए का रहा था। मूवी ने जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन किया था वो 8,32,00,000 रुपए का रहा था। मूवी के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें, यानी इंडिया के बाहर, तो इंडिया के बाहर मूवी ने 14,00,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था। और इसी के साथ ईटी मूवी का लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन 103,42,00,000 रुपए का होता है। अब बात करें अगर मूवी के बजट की, तो मूवी का बजट 75,00,00,000 रुपए का है। मूवी के वर्डिक्ट की बात करें, यानी हिट और फ्लॉप के बारे में, तो बता दूं दोस्तों, मूवी का जो बजट है 75,00,00,000 रुपए और मूवी ने जो लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन किया था 103,42,00,000 रुपए का, उस हिसाब से ईटी मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। फिलहाल वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। अगर आप भी किसी मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।